हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस जीके फ्रॉम प्रिंस जीके ग्रुप टिकटॉक। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि COVID-19 को लेके सब कुछ बंद रहा है, इसी तरह शख्स लाइफ में कनेक्ट होने जा रहा है। कनेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं बॉलीवुड एक्टर्स लेजी त्रिपाठी। हाय अरुण, कैसे हो? जैन मुबे खान, आयुष्मान, आपको आवाज सुनाई दे रही? हाय गुरदीप, कान इज हियर। हेलो दर्शन, सुमया इज हियर। ही इज अ बिग मोटिवेशन स्पीकर, वन ऑफ लाइक सेल्फ मेड। हेलो, क्या हो रही है? या कैन यू हियर मी? यस, हेलो, हाय कैन यू? हाँ अभी देख पा रही हूँ। ये अभी ऐसा हो रहा है कि पहले ज्वाइन करने के बाद कुछ तो होता है कि कुछ ये समय के लिए सोशल मीडिया का कुछ हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। हाय घूम घूम से या हर्षा या पापन या मोहम्मद फैजल भी है, लोकेश, अमित, यू नो आई एम सो हैप्पी। मैं जब भी देखती हूँ अपने फ्रेंड्स well wishers को कहीं पे, I get very excited. So Gurdeep, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बताइए। अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स तेजी त्रिपाठी लाइफ पे आ चुके हैं और स्टार्ट इंटरव्यू। जैसे कि आपको मैंने ऐसा महाराष्ट्र स्कूल में किताब देखा है, व्हाट बिग फैन ऑफ योर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ तो आपने मेरी किताबें देखे हैं कुछ लाइब्रेरीज में? हाँ, लाइब्रेरीज में उसके उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए आप? हाय हाय सचिन, हाय मिंटन रोज, या लाइक यू नो मेरा बहुत ख्वाब था हमेशा, गौतम, हाय आर्यन, विशन, बीच बीच में ये चलता रहेगा, बट यू नो मुझे बहुत खुशी होती है कि वे अपनी किताबें भेजिए, हम अपने लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं, सो दैट आपकी किताब बच्चे पढ़े एंड उनमें भी वो जील आए हाउ टू बी अ सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी। तो मुझे ये अच्छा लगता है दैट यू नो दे से कि आप चाहो सपने देखो तो यू कैन ऑलवेज अचीव। तो मेरे पोएम में ना ऐसा मैंने कुछ ख्वाबे लिखे थे, यू नो जो ख्वाब होते हैं ना जिंदगी के, मुझे ये बनना है वो बनना है, काफी चीजें फुलफिल हुए हैं कि एक ब्रांड बनो, आपको लोग सराहे, हाय रविंद्र अंटवालल, हाय, सो यू नो तो खुद एक ब्रांड बनना इतना इजी नहीं है, बिकॉज इफ यू सी मेरे घर में कोई ये ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, अदर देन मेरा ब्रदर। हाय अंकित, हाय, सो अंकित शाह इज हियर, ही इज आल्सो एन एंकर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। ट्विंकल, हाय, कौन चलची हीरोइन, जैसे कि उसी तरह आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हो कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? कब आपने एंट्री किया और चार चांद लगाया आपने? यू नो वॉट मेरा ड्रीम क्या था कि मुझे एक फिल्म मिल जाए, ओके, हाय पार्थ, हाय हर्षल,
एक्टिंग करने का एक मौका मिल जाए हिंदी में. ओके मुझे हर दिन काम करने का इतना है नहीं क्योंकि मुझे पता है इतना इजी नहीं है. हैरी हाय ओ ट्विंकल एंजॉय. सो मुझे था कि एक फिल्म कर लूँ फिर ना एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है कि यू नो बॉलीवुड एक्टर एंड देन अच्छे रिव्यूज मिले. तो आई थिंक दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो मुझे वो सब मिला मेरी फिल्म डब्ल्यू आई. फिर यू नो आई थिंक पार्थ नोज बेटर ही वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ आवर फिल्म. सो दिव्यांश हाय. तो यू नो ये जो होता है ना ख्वाब देखो बचपन में एंड इसे पूरा करने का जो चस्का होता है ना आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो जिन्होंने अपने ड्रीम्स फुलफिल किए होंगे. टू बी नोन एज अ सक्सेसफुल ब्रांड मूवीज की है रंग रोसिया. हाँ तो मंगोपति आप जब ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिस आप जैसे वो नाम बोल रहे हो तो वो और इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो रंगरसिया रंगोपति ये काफी सुपरहिट फिल्में रही है जो मैं एक्ट कर चुकी हूँ और ये छत्तीसगढ़ में रिलीज हुए थे ब्लॉकबस्टर हिट विद बिगेस्ट सुपरस्टार वहां के अनु शर्मा जी के और वहां के जो डायरेक्टर हैं वो भी हिंदी फिल्मों में एक्ट कर चुके हैं स्मिता हाय या. सो यू नो मुझे वो जो था ना ड्रीम गर्ल बनने का ख्वाब यू नो चिलबुली रोल्स में एक्ट करने का वो सब मौका मिलता ही रहा और मिल भी रहा है. अभी लॉकडाउन के बाद यू सीकिंग आई एम गोना एक्ट इन लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स एंड अभी मेरा ऐसा भी हो गया कि आई कैन खुद से अजीज हाय यू नो मैं खुद से अभी अपने प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करती हूँ. इवन आपके साथ भी मैंने काम किया है गुरुदी जी हाँ, आपके प्रोजेक्ट्स में पंजाबी आपकी पंजाबी फिल्म में पंजाबी फिल्म में या फिर आपके या फिर यू नो जी टिकटॉक वीडियोस हुए पंजाबी सॉन्ग्स में या हिंदी फिल्म जो आपके साथ अभी किया था दैट वाज अ वेरी गुड सब्जेक्ट ऑन विमेन एम्पावरमेंट. तो देवेश हाय ज्ञान हाय हाउ यू. सो यू नो आई थिंक मुझे वही अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा करो जिसे लोग देखे इंटरेस्टेड हो एंड अच्छा फील करे कि यू नो देयर आर पीपल इन इंडस्ट्री जो कि गर्ल्स के लिए अच्छा लाइक गर्ल्स को एक अच्छे वे में प्रोजेक्ट करते हैं. यू नो आई थिंक गुरदीप आपके भी सिनेमा में आपके भी सॉन्ग्स में यही होता है कि लड़कियों का रिस्पेक्ट होता है उनको एक आइटम बना के वहां पे नहीं रखा जाता है कि लोगों को अगर किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया को देखो वो उसको खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है. मोनिश या दैट्स ट्रू. सो ज्ञान सो आई थिंक माय पापा हैज जॉइन सरेंद्र ग्लोबल पोएट. तो यू नो आई आल्सो कम फ्रॉम अ टीचर्स फैमिली. सो यू नो ये सीख हमें मिलती है कि यू नो जो भी करो अपनी ब्रांड ऐसा क्रिएट करो कि लोग आपको याद करें सल्यूट करें क्योंकि हम वही पढ़ते हैं ना. हम किसको पढ़ते हैं स्कूल में जिन्होंने अपना नाम किया है कुछ अच्छे वेज में ठीक है जिनसे हमने कुछ सीख लिया है. तो मेरे घर में ना बचपन से मैंने क्या देखा है किताबें ही देखी है. हमारे घर में सोफा वोफा सब हटा दिया गया था क्योंकि किताबें बहुत हो गई थी तो हम सोफे यू नो किताबों को ही सोफे की तरह रख के बैठे थे उसके ऊपर. तो ऐसा था कि मैंने आई थिंक दुनिया की सारी किताबें पढ़ रखी है अभी के कुछ बाकी है पढ़ने को एंड इसी वजह से मैंने भी किताब लिखा हुआ है. पहले आप एक दो दिन मैंने आपका ये एनजीओ में ऑर्गेनाइजेशन का वर्क देखा है वो आपका उसमें कैसे काम हुआ आपका देवाशीष हाय या यू कैन आस्क. सो ओके क्वेश्चंस आप जो पूछ रहे हो कि सोशल वर्क क्यों मैं इतना करती हूँ मुझे अच्छा लगता है टू हेल्प पीपल जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है व्हाई नॉट. मुझे याद है कि मैं शमीम जी हैं शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग हर. तो उनका एक इवेंट था फॉर एसिड अटैक गर्ल्स. तो वहां पे वो लड़की की आंखों में पट्टी था उसको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसकी आंखों पे एसिड अटैक हुआ था. आई गेट सो इमोशनल मैं तो रो पड़ूंगी जब भी होगा ये बात करूं बट यू नो सोशियो हाय सोशियो स्टाइलिश अडेजा हाय यू नो मुझे याद क्या है कि वो जो लड़की की आंखों में पट्टी लगा है उसको किसी ने बोला ये एक्ट्रेस की अभी ये फिल्म आई है ये गाने हिट गए हैं तो वहां पे बज रहे थे मुझे स्टेज पे जब बुलाया गया था सुनील हाय यू नो वो लड़की खुश हो गई. वो लड़की का थिंकिंग कैसा था पता है शी वो मुझे देख नहीं पा रही है वो बोले लेफ्टली आप आए हो लाइक उसको पता नहीं है उसकी बट उसने मेरे गाने सुने
जो मेरे हिट सॉन्ग से बज रहे हैं वो सब सुन के वो भी झूम रही है. लाइक डू यू गेट इट, जिसके लाइफ में इतना दुख ऑलरेडी है, हमें देखते हैं आशीष हाय, उमिल हाय, सो यू नो दैट इज अ ब्यूटी कि यू नो हमारे प्रेजेंस, हमारा एक गाना सुन लेते हैं, हमारे स्पीच सुन लेते हैं. सिमी जी ही इज अ क्रिकेटर फ्रॉम आयरलैंड. ओके आई एम वेरी प्राउड ऑफ सिमी बिकॉज़ दिस हाय. कई सारा म्यूजिक वीडियोस आपने किए. सो यू नो दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू कि फाहीज हाय. सो यू नो मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज हाउ वी कैन चेंज पीपल्स लाइव्स. यू नो मैं ना ओरिसा में गई थी, एक छोटे से शहर में शूट करे थे. मुकदस हाय, हाय सिमी हाय, ही इज अ क्रिकेटर, ही विल बी ऑन माय शो सून, ऑन माय लेजली शो. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं ना गांव गई थी, ठीक है, ओरिसा में. वहां पे शूटिंग चल रहा था, कटक एक शहर है, उसके बाजू में एक छोटा सा कोई गांव था जहां पे शूटिंग चल रहा. वहां से ना कुछ बच्चे आए मेरे पास, मुझे ना कुछ गिफ्ट्स दिए. वो बच्चा एक हनुमान जी का रिंग पहना है, ठीक है, सोचो बच्चों को देते हैं ना पहनने के लिए टू फील प्रोटेक्टेड. थैंक यू सिमी जी, थैंक यू सो मच. आई एम लाइक आई होप यू कम ऑन माय शो सून, क्रिकेटर साहब है सिमी जी. सो ओके गोइंग अगेन इन माय थिंग, अभय हाय, बॉलीवुड फोकस, यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि श्रीतु मिथुन हाय. यू नो व्हाट्स हैपनिंग कि वो बच्चा, उसके मॉम डैड ने उसे वो रिंग दिया है, छोटा सा कोई गांव में है, उसके घर गए, वहां पे खाने के लिए भी नहीं है. उसने क्या किया पता है, मुझे वो रिंग निकाल के देता है, दीदी आप हीरोइन हो, आप ही मेरा रिंग पहन के ना कोई गाने में ना शूट करना, और मैं जब देखूंगा रिंग मुझे लगेगा कि आप मेरे लिए कुछ यू नो मुझे प्यार भेज रहे हो. डू गेट इट, लाइक यू नो ऐसे छोटी छोटी चीजें होते हैं, आई गेट सो इमोशनल. ओके कि उसका वैल्यूड रिंग है, उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके मॉम डैड ने दिया है, ये पहन बेटा तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगी, बट ये बच्चे हमें देते थे. तो मैं जब इतना प्यार देखती हूँ आई फील लाइक वाओ, दिस पीपल आर सो लविंग, व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर देम. हाय वीर, कल मेरी इंटरव्यू चली थी वीर जी के साथ. सो दीज आर थिंग्स. और मैंने जैसे बताया वो जो लड़की एसिड अटैक हुआ है, उसकी आंखों पे पट्टी लगा है, वो मेरा गाना सुन के झूम रही, खुश हो गई, मेरे साथ फोटोज क्लिक कर रही थी. मुझे इतना रोना आ रहा था उसके साथ फोटोज क्लिक करते वक्त कि उसके लाइफ में कितना दर्द है, बट वो मेरा नाम सुन रही. उसे किसी ने कहा कि तू हीरोइन के साथ खड़ी है, उसका डब्ल्यू फिल्म आया है, उसके फिल्म में ऐसा था, वो बोलती है मैं भी डांस करती हूँ, यू नो उसके पट्टी के साथ शी इज डांसिंग. तो यू नो इसीलिए मुझे सोशल वर्क करने में बहुत अच्छा लगता है. और यारी रोड में एक छोटा सा स्कूल है लेप्रोसी बच्चों का, वहां पे ना मैं गई थी, किसी का बर्थडे था, यू नो केक कटिंग हुआ, वो बच्चे सोचो लेप्रसी है, इन द सेंस उनके साथ कोई बात भी नहीं करता, ना ही उनको कुछ खाने के लिए भी इतना भी मिलता होगा. केक कटिंग हो रहा है, चॉकलेट केक है, वो बच्ची, उसको मिला है वो केक, उसका बर्थडे है, छोटी सी है, लाइक 5 साल की है, वो बिना खाए मुझे खिला रही है. तो ये जो देखती हूँ ना, ये जो गरीब लोग होते हैं एंड उनके दिल में इतना प्यार होता है, दैट फील्स लाइक वाओ. सुशील जी आलम हाय. तो आई थिंक दैट्स व्हाई सोशल वर्क क्यों ना करें, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. सो आई फील सो गुड डूइंग माय बिट, सबके दिल को छू के चलती जाती हूँ, वो भी मेरे दिल को छूते हैं. तो यू नो माय लाइफ गेट्स बेटर, यू नो देयर सो मच ऑफ लव टू गिव, मुझे उनसे लव मिलता है, आई वांट टू गिव सो मच ऑफ लव, सो आई फील सो गुड. विजी हाय. ओके अभी पूछिए, आप कुछ और पूछ रहे थे. रहमान जी हाँ, मैं पूछ रहा था कि अपने सारे बहुत सारे आपने म्यूजिक वीडियोस किए हैं, कौन से आपने वीडियोस आपने किए हैं, बता सकते हैं व्यूज को? मिहिर हाय, जय जगन्नाथ. सुशील जी या ऑफ कोर्स मैं बोल सकती हूँ. वन सेकेंड, आई थिंक मेरा स्क्रीन में थोड़ा ब्राइटनेस. मैंने काफी म्यूजिक वीडियोस किए हैं और काफी अच्छा भी लगता है. ओके एनीवेज 8 बजे को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले वाले हैं स्पीच, जो और उनका स्पीच हमेशा पावरफुल होता है, तो हमें जल्दी अपना यू नो खत्म करना है लाइव सेशन. एनजी आपकी तारीफ करें. तो ओरिसा में हुआ, पंजाबी में हुए, हरियाणवी में हुए, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, सारी भाषाओं में मैंने एक्ट किए हैं म्यूजिक वीडियोस वगैरह में. आई थिंक मोर देन 250 किए हैं एंड मुझे अच्छा भी लगता है. थैंक यू सो मच मिथुन, थैंक यू गाइस, थैंक यू. हाँ सो अच्छा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर, एक्टिंग एंड टचिंग पीपल्स लाइव्स, एंड लॉट ऑफ पीपल रिस्पेक्ट एक्टर्स, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब
यू नो पीपल यूज टू थिंक कि एक्टिंग इज नॉट अ गुड करियर बट अभी लाइफ इज सो मच बेटर सो आई एम हैप्पी. हाँ बताइए. ओके व्हाट्स नेक्स्ट. जैसे आपने रंगोपत्ती रंग रसोया आपने मूवीज की है हाँ उनका डायलॉग बोलना चाहेंगे आप? उसका डायलॉग ओके ओके एक डायलॉग था आई थिंक मैं अपने पापा को मैं दोनों फिल्मों में ना अपनी पापा की लाडली बेटी हूँ और मेरा नाम नैना है. ओके कि मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं खूबसूरत है तो बड़े घर की बेटी रिच लड़की और हमेशा प्यार करती हूँ गरीब लड़के से. तो मेरे पापा जब मानते नहीं है तो मैं बोलती पापा बोला अनुज चाहिए अनुज से प्यार करती हूँ मैं. और तेलुगु में मेरा हीरो मेरा नाम था तेलुगु में जो फिल्म का था चुसी नोड़ी की चुसी नता उसमें मेरे हीरो का नाम था नरेंद्र. तो नरेंद्र डरता है मुझसे क्योंकि मेरा नाम एंजल है और मैं यू नो बॉस की बेटी हूँ. तो मैं उसको आगे यू नो बीच सड़क में गाड़ी रोक के जाके बोलती नरेंद्र नीनू इस तनु की आई लव यू नरेंद्र. आई मीन ऐसे नहीं थोड़े अच्छे वे में था अभी मैं थोड़े कॉमेडी करके बोल रही हूँ. जी जी जैसे कि आपने सबका एनजीओस के थ्रू या एनजीओस के थ्रू आप सबका हेल्प किया है आपने आपको कितना सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स फैमिली अदर थिंग आई थिंक मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है सबसे. मेरे फ्रेंड्स मेरे फैमिली सबको मेरा विजन समझ में आ गया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ. अपने लिए एक मुकाम हासिल करना अभी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गया है मेरा. पापा मम्मी भी सब घर पे देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे लिए घर में. यू नो आई थिंक मैं अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज बनानी है. ये देखिए सब यू नो पैक्ड है मुझे खोलना पड़ेगा सब कुछ. अभी मैंने कुछ पैकिंग खोला है ये सब. सो यू नो देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू यू नो मुझे अच्छा लगता है कि ब्रांड्स को मेरा टेस्ट भी अच्छा लगने लगा है. तो बहुत सारे ब्रांड्स के जब प्रोडक्ट नए नए बन रहे हैं मुझे भेजते हैं मैं अपना इनपुट देती हूँ मेरे मुताबिक. अगर उनको कुछ प्रोडक्ट्स मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लगता है कि ये मुझे चाहिए और मार्केट में भी चलेगा मैं भी अपना इनपुट देती हूँ. तो अभी ऐसा हो गया कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं उनकी क्रिएटिव मीटिंग्स में बैठती हूँ. तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है टू डू एनीथिंग एल्स. मैं आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी लॉट ऑफ इनपुट्स टू ऐड बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ पीपल कुक एंड ग्राम. ओके या यू कैन आप कर सकते हो आप मुझे डीएम कर सकते हो. काम के सिलसिले में जब भी कुछ अच्छा होता है तो आई लव टू वर्क नहीं तो बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ टीम हु लुक्स इनटू एवरीथिंग. बट या ऑफकोर्स प्लीज डू आई लव टू कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स. सो अभी लॉकडाउन में भी ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ मेरा लाइक यू नो आई लव दिस प्रोडक्ट्स दे सेंड मी टू ट्राई एंड ऑल्सो गिव एज यू नो गिफ्ट्स दे सेंड मी as a token of gift for promoting supporting everyone. So you know I love to दिखा, see दिखा सकते हो आप प्रोडक्ट आपका जो भी है आपका. Yeah हिमावन ये skin soothing instant soothing ये है and then इसको आप ऐसे you know जब आप tired feel कर रहे हो and something ऐसे कर लिया you feel fresh so Yeah, so sort of a rejuvenation for skin. क्योंकि you know ज्यादातर मैं कैमरा के सामने ही you know मेरा टाइम जाता है planning, talking things out. अभी ज्यादा like all day वही चलता रहता है like we have to keep discussing, planning lot of things. I think मेरे पास ये भी packet है Olivia का. Yeah. Yeah. ये खोलना है इसके अंदर बहुत सारे products है I have to use. तो मैंने कभी और खरीदा नहीं है यू नो मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा भी नहीं है बिल्कुल because I get so many gifts. I think सब कुछ मेरे पास अभी फिलहाल gifts ही है. My phones are a gift. You know beauty products, hair bands, shirts. These are all promotional products. मेरे पास यहाँ पे Rave Cosmetics का ये Rave Cosmetics का you know mud pack hai to use so it also is all about ye khola nahi gaya hai so I have to open it isme seal anyways main baad mein kholungi so anyways so bahut sari cheeze baki hai try karne ke liye to even this bottle is a
gift to try. इसमें जो drink भी है, it's a sponsored drink. तो you know, मुझे हमेशा ये चाहिए था to add value to brands. तो अभी वही हो रहा है कि अभी मेरी life sponsored है, मेरे सारे products sponsored है. Gautam, yeah, of course. So you know, वो बहुत अच्छा हो जाता है life में. मेरे पास ये जो beauty products है, सब कुछ sponsored है. इसी के साथ आपका जो YouTube चैनल है लेजी त्रिपाठी शो, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक यू नो, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को मिलती रहती हूँ लाइफ में, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं दुनिया को बताओ जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रमोट किया जाए. ब्रांड्स हो गए, अच्छे लोग हो गए, उनकी स्टोरीज भी हो गए. तो यू नो, दैट्स व्हाट आई डू. मेरे शो के जरिए आई प्रमोट अमेजिंग टैलेंट्स, अमेजिंग रैपर्स, अमेजिंग ब्रांड प्रोडक्ट्स. तो मैं यू नो, फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट कि इफ आई लाइक समथिंग, आई सेलिब्रेट इट, आई प्रमोट इट. और अगर मुझे लगता है कि इनको मिलके मुझे लगा कि इनकी स्टोरी में दम है, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों तक भी वो स्टोरी पहुंचे. हाय IGTG ज्वेलर है, आई थिंक जेमस्टोन्स के ज्वेलर है. सो यू नो, इट फील्स सो गुड. अंकुर, हाय अंकुर, गिव्स वेरी गुड इनपुट्स मुझे. आई फील गुड, यू नो, आई लाइक इट जब मुझे अच्छे अच्छे इनपुट्स भेजते हैं टू इम्प्रूव. सो अंकुर इज वन अमंग दोज ग्रेट फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स. ही वोंट टॉक एनीथिंग एल्स अदर देन कि लेजली आप ये डीपी में ये रखो, वो रखो, ये फोटो अच्छा है, वो नहीं है. सो आई लाइक ऑल दिस कंस्ट्रक्टिव चीजें. मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती, यू नो. तो यू नो, आई थिंक आपको भी पता है, आई थिंक सो फार मैंने 400-500 ब्रांड्स एंडोर्स किए हैं दो साल में, 2018-19, 2020 में तो ज्यादा नहीं कर पाई, बट चल रहा है, ये चल रहा है. इसी तरह हाँ गौतम, मेरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसको लेके क्या आपको क्या कहना है? डोंट किल एनी वुमन. इसी तरह मेरा वीडियोस प्रोजेक्ट नेक्स्ट आ रहा है, डोंट किल एनी वुमन, उसको लेके आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी. आपके साथ भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. आपके साथ मैंने एक पंजाबी फिल्म शूट किया है, दैट टू आधा है, प्लस आपके साथ हिंदी में भी एक प्रोजेक्ट आधा ही हुआ है हमारा. आई थिंक वो स्क्रिप्टिंग फेज में था और पार्ट वन शेड्यूल यू नो हमने कंप्लीट भी किया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आपके साथ काफी प्रोजेक्ट्स है. आई थिंक इवन मैं फेसबुक पे अभी लाइव थी, वहां पे भी मुझे प्रपोजल्स मिल रहे थे शूट के. यू नो, मेरे साथ दो एड फिल्म्स का, यू नो, पीपल आर वेटिंग कि लॉकडाउन उठ जाए फिर मैं शूट करूँ. मैं घर से तो अभी काफी प्रोडक्ट्स का शूटिंग कर ही रही हूँ दिन भर. यू नो, मैं दिन में 10-12 घंटा काम करती हूँ. सुबह उठती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, फिर यू नो अपना ईमेल्स वगैरह चेक करती हूँ. सोमू यू हाय. सो या आई एम गुड अंकुर, अच्छी हूँ मैं. गौतम, मैं अच्छी हूँ, भला अच्छी हूँ. सो यू नो, ऐसा रहता है. यू नो, ब्रांड्स के लिए मैं टैगलाइन क्या रखूँ? मुझे अपना क्रिएटिव टैगलाइन रखना अच्छा लगता है. तो यू नो, बहुत सारी चीजें होते हैं मैं जिसका यू नो, उनके बहुत बड़े बड़े मैसेज होते हैं, मैं उसको अपने मुताबिक मैसेज को एडिट करती हूँ. राइडर सैंडी, हाय. सो यू नो, बहुत इसमें बहुत टाइम जाता है. एंड दैट टू कभी कभी ना, मुझे ना ये भी होता है कि आई लाइक टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु आर फोकस्ड ऑन कि यू नो कुछ अलग करना है. यू नो, मैं उन लोगों में से हूँ. सैंडी हाय, ये तो बैंड नहीं हो रहा है इसके तरह, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा है. यू नो, ये मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो अभी ठीक हो रहा है. What will PM announce? Divesh पूछ रहे हैं. Miraj, hi. I think PM will tell us कि क्या progress है lockdown में, लोगों के व्यवहार में कुछ changes है या नहीं, क्योंकि बहुत बीच में I think lockdown 2.0 के time पे बहुत सारे लोग चिढ़ रहे थे कि people were breaking rules and इसी वजह से corona फैल रहा था. मगर अभी क्या व्यूज है शहरों के, और कौन से शहर में लॉकडाउन उठेगा या नहीं उठेगा, 17 से कौन से शॉप्स ओपन होंगे या अभी से कुछ शॉप्स ओपन होंगे, क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक ये सब बोलेंगे ये मोदी, बिकॉज यू नो कोरोना सच अ डेंजरस थिंग. या हमें बाहर तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, अगर भी जा रहे हैं ना पूरा अपने आप को ढक के. यू नो, मैं तो अपना मास्क लेके घूमती हूँ कहीं.
कहीं किसी को मिल ली ना, या सैंडी, हाँ या गौतम बोलो क्या क्या व्हाट आर यू आस्किंग. सो मेरे बैग में हमेशा ये सारे सामान होते हैं, लीक हो रहा है क्या. ओके सो यू नो ये दोनों चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. प्लस मैं एक ग्लव भी पहनती हूँ, बालों को कवर करती हूँ, फुल हैंड्स शर्ट फुल जीन्स पहन के बाहर जाऊँ अगर जाना पड़ा तो. मेरा वो रेडी है बाहर कभी कुछ हुआ, बिकॉज यू डोंट नो कभी यू नो अर्थक्वेक हुआ इमरजेंसी हुआ तो. कल ही मेरा एक शूट हुआ, एक वाइंस छोटा सा मूवी है, आपको उनको क्या लेके क्या कहना है. क्या कल ही मेरा शूट हुआ वीडियो एक शॉर्ट ही मोदी को लेके, लॉकडाउन को लेके, उनका उनके बारे में क्या कहना है आपको. आई थिंक आप बहुत अच्छे पॉइंट्स पकड़ते हो, आप हमेशा अच्छे अच्छे मैसेज देते हो आपके गाने के थ्रू से, आपके शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू से. सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास हमेशा अच्छा है. आप भी एक सेल्फ मेड यू नो वन मैन आर्मी हो, खुद ही शूट करते हो, खुद ही सब कुछ कर लेते हो. सो यू आर अ यू नो बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सो मुझे आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक दिस, स्पेशली सेल्फ मेड जो किसी लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, अच्छी बात है. बट कभी कभी क्या होता है हमारे ड्रीम्स को लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको लगता है अरे क्या क्यों कर रहे हो. बट हमें ना हमारे अंदर शिवराज है यू नो, हमारे अंदर वो एक थिंकिंग रहता है कि नहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगा. वो जो जुनून है दक्ष हाय, सो यू नो वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट हो के आप एक कर लोगे तो एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है किसी की कि कौन क्या सोच रहा है. बट तभी आपको वन मेड यू नो सेल्फ मेड होना पड़ेगा. प्लस यू नो लाइफ के सीक्रेट्स क्या है कि मैं तो आई थिंक रेड जोन में हूँ. बॉम्बे में आई थिंक हर जोन रेड जोन ही है. सो यू नो मेरा ऐसा थिंकिंग है, मैं खुद ही प्लानिंग कर लेती हूँ मेरा कंटेंट, मैं खुद ही शूट कर लेती हूँ, मैं एक्चुअली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. तो आई लव इट. मनोज हाय, दम्बा हाय. सो यू नो मैं किस कैटेगरी में आऊंगी, मैं उस कैटेगरी में आऊंगी जहाँ पे मैं खुद सब कुछ खुद से कर लूंगी. मुझे अगर सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छी बात है, एनहांस होता है. बट अगर कोई नहीं है तो भी मैं कर लूंगी. मैंने अपने आप को वैसे ट्रेनिंग दे दी है लाइफ में, मैं सब सीख गई हूँ. एंड इसीलिए मुझे यू नो अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता, हाय चेतन, अगर लॉकडाउन नहीं होता मैं कनाडा में होती, वहां पे मैं एक इवेंट में जाने वाली थी प्रमोट करने, चाइना जाने वाली थी टू प्रमोट अ ब्यूटी ब्रांड. मुझे ईमेल आया था उनके जरिए से. चलो कहते हैं बाय बाय. अभी टाइम आ गया मोदी का आने का. जी यस, हाँ 25 हुए हैं. चलो इसी तरह गुड बाय. या दिवेश, आई थिंक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं. सो आई लव इट पीपल, तुम सब यू नो दिवेश जो यहाँ पे कमेंट्स लिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. जो सब यू नो चेतन हाय यू नो जो सब ना अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, आई हैव अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम. मनोज भी, ही डज ऑल दोस फिटनेस वीडियोस, ही कीप्स टैगिंग मी ऑन हिज स्टोरीज. तो गाइस कीप टैगिंग मी, आई एम हैप्पी टू सी यू गाइस. तुम सबका जोश दिखती हूँ मुझे, अच्छा लगता है कि यू नो वी हैव ग्रेट पीपल कमिंग अप. आई एम प्राउड ऑफ द यूथ. एंड तुम तो प्रिंस गुरदीप, यू आर लाइक अनदर मिसाल. खुद से काम करना, अकेले करना, कोई हेल्प करे ना करे. चलो गाइस लेट्स गो फॉर द अनाउंसमेंट, क्या होने वाला है 8 बजे. सो वी हैव टू लाइव अभी बंद करना पड़ेगा, ठीक है. तो आई होप सभी अभी ना अपने ग्लास पकड़ो पानी का, जूस या जो भी, और cheers to good life, you know? अपने सपनों के लिए cheers करो. Cheers to good life. अभी घूम भी लो क्योंकि आप सबके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं. चलो गुड बाय, बाय बाय, या गाइस टेक केयर, हाँ स्टे सेफ, कोरोना से दूर हो, मेक श्योर कोरोना मर जाए, हम सब सेफ रहे. May 30 तक कोरोना दुनिया से चला जाए, ये सब हमारा प्रेयर है. सब सही सलामत रहे. बाय 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 पापा. चलो आज का लाइव ये था बॉलीवुड एक्ट्रेस लेजी त्रिपाठी के साथ.
इस तरह बंद करते हैं लाइव, क्योंकि हमारे श्रीमती मोदी जी का आने का टाइम हो गया है, 8 बजे उनका लाइव है टीवी पे। चलो देखते हैं क्या है। बाय।